उत्तर प्रदेश के हरदोई के ग्राम सभा सेलापुर में एक 7 वर्षीय दलित बालिका का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि यह बालिका एक दिन पहले गायब हुई थी। बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और कपड़े फटे हुए पाए गए। परिजनों ने बलात्कार की आशंका व्यक्त की है। हरदोई के थाना माधवगंज क्षेत्र में एक दिन पूर्व गायब बालिका का शव एक बाग में पड़ा हुआ मिला, जिसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और कपड़े फटे हुए थे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कुछ जरूरी साक्ष्य हाथ लगे हैं। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सेलापुर की ये घटना जानकारी में आई थी थाना माधोगंज क्षेत्र में कि एक बच्ची जो कल रात से अपने घर से गायब थी उसका शव यहाँ मिला है। तो मौके पर फील्ड यूनिट के साथ सभी अफसर आए हैं और बच्ची के शव को कब्जे में लेके और पुलिस ने उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जो परिजन है उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। और जैसे इस घटना के बारे में आगे अपडेट होगा तो जी हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स हमें मिली हैं, कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंसेज हमें मिले हैं, उनको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही जो इस घटना के पीछे उसको पकड़ा जाएगा और उसको फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या सर मालूम होता है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ? ये पोस्टमार्टम के बाद चूंकि पता चलता है वो डिटेल आपको बता दीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.